हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो रेसिपी है बचे हुए रात के चावल के पकोड़े, जो बेहद ही टेस्टी और यमी लगता है। जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक, प्याज, चना दाल जो मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और रात के बचे हुए चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये रेसिपी को शुरू करते हैं। जो रात के चावल रखी हुई थी और दाल जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, उन दोनों में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक ये डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर दिया। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च का पाउडर, जरा सा हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए, अजवाइन में लूंगी, इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल लीजिए। अब सबको मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद ये ऐसा रेडी हो जाएगा। और हाँ, आप धनिया पत्ती जरूर डालिएगा इसमें, मैंने यहाँ यूज नहीं किया है पर आप यूज जरूर कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा बनेगा। ऑयल गरम हो गया है, अब हम पकोड़े के मिक्सचर को अपने अनुसार आकार देकर इसे फ्राई करेंगे। इस मिक्सचर को बनाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम चावल इसमें यूज कर रहे हैं तो चावल में खुद ही इतना पानी होता है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के इस मिक्सचर को बनाएं। देखिए, मैंने इस तरह से सब डाल दिया है इसमें। अब मैं इसे कम आंच पे सेकूंगी ताकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। ये देखिए, धीरे धीरे इसका कलर हल्का ब्राउन हो रहा है और हमें यही चाहिए कि ये इतना ही ब्राउन हो, इसे ज्यादा नहीं तो ये जलने लग जाएगा। ये हमारा पकोड़े बनके रेडी है। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप प्लीज हमें बताइए अपने घर में ट्राई करके इसे बना के कि आपको कैसा लगा। प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू।